तो हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने सीटू राष्ट्रीय जनरल काउंसिल के आह्वान पर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ये कर्मचारी 12 घंटे तक काम करते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इन कर्मचारियों की दशा और खराब हुई है। हिमाचल में भी 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मी हैं और इन्हें स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम वेतन दिया जाता है। कर्मचारियों से 8 के बजाय 12 घंटे तक काम लिया जाता है। उन्होंने प्रदेश में इन मजदूरों को नियमित करने के लिए तुरंत ठोस नीति बनाने की भी मांग की है। आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी जो CITU की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल है, कलकत्ता में जो बैठक हुई थी उसमें इस बात का आह्वान किया था कि ठेका मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों, फिक्स टर्म मजदूरों, मल्टीटास्क वर्कर, कैजुअल वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, इस तरीके का जो अस्थायी तौर पर काम करते हैं या ठेके पर काम करते हैं, आउटसोर्स में काम करते हैं, इनकी मांगों को लेकर एक महीने का पूरा एक अभियान पूरे देश में चलाया गया था और इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया गया, क्योंकि आज जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी सेवाएं हैं या निजी क्षेत्र है, उसमें आज ठेका मजदूरों की, आउटसोर्स मजदूरों की संख्या जो रेगुलर वर्कर हैं उनसे भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन समान काम ये लोग करते हैं पक्के किस्म के कर्मचारी के बराबर, लेकिन इनके लिए जो नीति नियम कायदा कानून है वो लागू नहीं होता है। वर्ष 2016 में 26 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज 8 साल के बाद भी लागू नहीं हो पाया और वही काम ये लोग करते हैं जो रेगुलर कर्मचारी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये लागू होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये वो कर्मचारी हैं जिनसे 8 के बजाय 12 घंटे भी काम लिया जाता है, जिनके लिए EPF की सुविधा नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं या मजदूर ऐसे हैं जिनको ESI सुविधा नहीं है, जिनके लिए छुट्टियों का प्रावधान नहीं है, ओवर टाइम का वेतन उनको नहीं मिलता है, ग्रेचुटी की सुविधा उनके लिए लागू नहीं की जाती है, बहुत सारे जो कानून है वो लागू नहीं किए जाते हैं। तो ये मजदूर जो है काफी दिक्कत में है, काफी परेशानी में है, और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई देश में इन मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ी है, क्योंकि रेगुलर भर्तियां मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। एक तरह से अघोषित प्रतिबंध है, एक तरह से अनडिक्लेयर्ड जो क्लोजर है या अनडिक्लेयर्ड जो है भर्तियों पर एक तरह से पाबंदी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार की नीति है जहां रेगुलर कर्मचारी ना लगाकर ठेके पर कर्मचारी लगाने, आउटसोर्स पर कर्मचारी लगाने।